हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फेज ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर के बीच के छोटे से डिफरेंस की। तो नॉर्मली फेज और स्टेट इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप फेज देखने जाओगे तो वो भी आपको मिलेगी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। स्टेट ऑफ मैटर देखोगे तो वो भी आपको मिलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, करेक्ट। तो इस तरीके से कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाती है, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वो समझना है हमें। फेज एक ऐसी मैटर है जिसमें यूनिफॉर्म फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ की कोई फेज देख रहे हो तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी, मतलब वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो भी सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस जो हो रही हैं वो भी आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। जैसे वेपर फेज कहा जाता है गैशियस जो होती है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, प्लाज्मा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। स्टेट ऑफ मैटर उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे फिक्स्ड होता है, एक्सटर्नल फिक्स्ड मैटर की स्टेट होती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर आपको नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर बोल सकते हैं 180 ATM प्रेशर पे लिक्विड मिलता है, तो वो आपको प्रॉपरली लिक्विड मिलेगा, ठीक है। उसको क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। ये स्टेट ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो सकता है कि उसमें दो तरह की स्टेट मिक्स्ड हो, ठीक है, बहुत सारी फेजेस हो। कैसे, जैसे कि अगर आप फ्रोजन CO2 को लेते हो, या ड्राई आइस बोला जाता है जिसको, उसको लेते हो तो वो वैसे तो आपको क्या दिखेगी, सॉलिड फेज में दिखेगी। पर जैसे जैसे आप उसको देखना शुरू करोगे वो क्या करेगी, गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगी। सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्टेट है ड्राई आइस, जिसके अंदर गैस फेज भी है और सॉलिड फेज भी है, ठीक है। तो अगर वो आप उसको आइस बोल रहे हो या फ्रोज़न बोल रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसको एक तरह से स्टेट उसकी क्या बोल रहे हो, सॉलिड स्टेट बोल रहे हो, पर उसके अंदर गैस फेज भी मिल रही है, सॉलिड फेज भी मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, जब ट्रिपल पॉइंट पे आप आते हो तब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की फेजेस मिलती हैं। तो फेज़ को आप उसी तरीके से डिफाइन करोगे कि एक फेज़ क्या है, जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती है, उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आ सकते, उसके अंदर कोई भी सब डिविज़न नहीं मिल सकता। जबकि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आपको सब डिविज़न मिल सकते हैं, जैसे आपने देखा इसमें गैस और सॉलिड दोनों हैं। तो इसकी स्टेट ऑफ मैटर आप डिफाइन करने जाओगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। आप अगर स्टेट ऐसी हो जिसके अंदर फेजेस बहुत सारी ना हो, तो इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। बट ये बेसिक डिफरेंस था फेज ऑफ मैटर में और स्टेट ऑफ मैटर में। थैंक यू।